हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है रेलवे का जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कल का न्यूज़ आया था दोस्तों, उसका बारे में वीडियोज़ बना चुका हूँ। सेक्शन वाइज मार्क दे दिया गया है, मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग से कितना आएगा और जनरल साइंस से कितना आएगा, जनरल अवेयरनेस से कितना आएगा। इंडिविजुअली क्वेश्चंस दे दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उसके रिगार्डिंग आज मैंने सेफ स्कोर लेके आया हूँ। आपको कितना सेफ स्कोर रहेगा जो आप फिजिकल टेस्ट देने के लिए, आपके फिजिकल टेस्ट अगर देना जा रहे हो तो आपको कितना रखोगी तो आप फिजिकल टेस्ट दे सकते हो, और इंडिविजुअली सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर मैथ से कितना रखोगी तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग मैथ से रखना पड़ेगा, रीजनिंग से रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पर आप लोग अगर रखोगी मैथ से, एक टारगेट सेट करोगी, गोल सेट करोगी, तो जाके आपकी टोटल करीब आपकी जो सेफ स्कोर जैसे कि 75 पर जनरल कैंडिडेट ऐसे रख सकते हो। उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, सारे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उधर तपन गड़ई सर्च कीजिए, और डायरेक्टली कुछ भी इशू हो रहा है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो। कई सारा लेक्चर्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो दोस्तों, DRDO, ISRO, ग्रुप डी, LP, कई सारा अच्छा अच्छा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड यहाँ पे लेक्चर्स है, आप जाके तैयारी कर सकते हो। डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे आप लोग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 ऑफिशियली वेबसाइट में दे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम डेट भी प्रकाशित हो गया है, और उसके साथ साथ नोटिस ऑन सेक्शन वाइज मार्क, यहाँ पे क्लिक करोगी तो ऐसा एक नोटिफिकेशन खोल जाएगा जहाँ पे लिखा जा रहा है कि दोस्तों मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएगा। तो इसी हिसाब में आपको टोटल क्वेश्चन 100 आएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 100 क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट रहेगा, 1.5 घंटा। जिन लोगों ने PWD कैंडिडेट, उन लोगों के लिए 2 घंटा रहेगा, तो उन लोगों के लिए 2 घंटा है इधर। तो आप लोग को बात करेंगे दोस्तों ग्रुप डी का जो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, जनरल कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, OBC कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, SC ST कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, तो आप जाके नेक्स्ट स्टेप जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए जा सकते हो, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। मैथमेटिक्स, इसका सिलेबस पहले से भी बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स को आपको 25 क्वेश्चन आने वाला है। 25 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन थोड़ा टैप रहेगा, फिर भी आप ALP का क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट का अभी एग्जाम गया है उसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर 25 से लगभग आपकी 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी तो आपकी मैथ क्लियर हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ क्लियर हो जाएगा, पर गोल सेट करना पड़ेगा। गोल क्या, आपको 18 रखना पड़ेगा मैथ से। मैथ से अगर 18 रख रहे हो, 25 से जैसे कि 7-8 छोड़ दीजिए, उसके साथ मतलब टॉलरेंस पकड़िए, माइनस माइनस में जाएगा, मतलब सब कुछ सही नहीं होगा। तो ये एवरेज बता रहा हूँ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, रीजनिंग के बात करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग बहुत इजी रहता है दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बहुत टॉप, मतलब इतना भी टॉप नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग को गोल सेट करना पड़ेगा 22 में। 22 में जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग में आपको सेट करना पड़ेगा। और जनरल साइंस के बात करेंगे, जनरल साइंस यहाँ पे पहले से भी बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल वगैरह, केमिकल नेम, उसका वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, वो सारे आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 25 से आपको 20 क्वेश्चन टारगेट सेट करना पड़ेगा, 25 से 20 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, करंट अफेयर के बात करूं तो करंट अफेयर दोस्तों पहले से भी आया था, स्टेट का CM याद रख लीजिए, गवर्नर याद रख लीजिए, कोई कंट्री में अभी अभी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है या कोई कुछ चेंज हुआ है तो उसको याद रखिए। तो आपको 20 क्वेश्चन आएगा जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस और करंट अफेयर से, आपको 16 नंबर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 16 नंबर अटेम्प्ट करना पड़ेगा जनरल साइंस से, 20 नंबर अटेम्प्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इतना अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर एक जनरल कैंडिडेट है तो आपको 75 प्लस जाएगा आप लोगों का सेफ स्कोर, मतलब आपकी PET के लिए जाना चाहते हो तो आपको 75 70 से आपको
76 या 78 तक आपको जनरल कैंडिडेट जा सकता है दोस्तों। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो ओबीसी का 2 से 3 मार्क आपकी डिफरेंस रहेगा जनरल से, 2 से 3। सपोज आपको 75 है जनरल कैंडिडेट के लिए तो आपकी 72 रहेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बात करेंगे, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो आपको 5 मार्क डिफरेंस रहेगा दोस्तों। 5 मार्क सपोज आपकी 75 जनरल कैंडिडेट के लिए गया तो आपको 70 रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। इसीलिए आप लोग को अब रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, जितना भी टाइम बचा है अच्छा से तैयारी कर लीजिए। जो गोल सेट करिए आपकी, इतने में मैथ से हम इतने आना चाहिए और रीजनिंग से इतना आपको आना चाहिए, जनरल करंट अफेयर से इतना आना चाहिए, जनरल साइंस से इतना आना चाहिए। अगर गोल सेट करके जाओगी, भले 75 नहीं होगा तो आपको 70 तो हो जाएगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट हो या एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी क्लिक हो जाएगा, पीटी के लिए जा सकते हो दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जा सकते हो। और इसमें याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो एक राइट आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, जितना आ रहा है 100% श्योर जितना है उतने को क्लिक कीजिए। और अगर दूसरा 2-4 क्लिक करना चाहते हो तो ऑप्शन काटिए, पहले फर्स्ट ऑप्शन काट लीजिए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन काट लीजिए। अगर 2 ऑप्शन बच रहा है तो 2 ऑप्शन थर्ड और फोर्थ से बच रहा है तो उसमें से कुछ भी गैस कर सकते हो। अगर सपोज 4 ऑप्शन काट नहीं पा रहे हो तो आप 4 से 1 अगर ऐसे गैस करके लगा दोगे वो गलत हो जाएगा, तो 2-3 ऑप्शन काट लीजिए। 2 ऑप्शन तो काट लीजिए, उसके बाद और 2 ऑप्शन से आप बता सकते हो कि ये सही हो सकता है। इसी हिसाब में आपको एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, ग्रुप डी का सेफ स्कोर इतना रखोगी तो आपकी पीटी के लिए जा सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।